प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 नवंबर को केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सनातन धर्म में आदि शंकराचार्य का खास महत्व है। गौरतलब है कि आदि शंकराचार्य जी ने देश भर में 4 धाम पीठ की स्थापना की है। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश की पावन धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित भगवान महाकालेश्वर मंदिर की गरिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। भगवान महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति भी माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर एक विशाल परिसर में स्थित है जहां कई देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर हैं। यहां पर गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का विशाल और विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसकी जलाधारी पूर्व की तरह है जबकि दूसरे शिवलिंगों की जलाधारी उत्तर की तरफ होती है। इसके साथ ही महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा भी गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभिस्थल भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान महाकाल उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान श्री महाकाल को स्वयं के भीतर से शक्ति प्राप्त करने के लिए माना जाता है। यूं तो धर्म और आस्था के इस महान संगम स्थल पर वर्ष भर उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन श्रावण मास के दौरान यहां का वातावरण कुछ विशेष ही होता है। इस मास के प्रत्येक सोमवार को राजाधिराज महाकाल की विशेष सवारी निकलती है, जब महाकालेश्वर नगर भ्रमण कर नगरवासियों को दर्शन देते हैं। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है।